उठ जाओ। दोबारा से भाई इतना सारा सामान इस गाड़ी के अंदर में फिट करना है भाई, ये बड़े महाभारत काम है। बैग निकालने भी जरूर रहते हैं और फिर दोबारा से उतना ही इसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है भाई। बड़ी दिक्कत आती है यार सामान सामून सेट करने में, तो मतलब जितनी बार निकालो उतनी बार बढ़ता से दिखता है। इतने टेम्परेचर में देखो गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आती स्टार्ट होने में। ये तो बड़ी नॉर्मल सी है, कल चलाई है भाई टोटल हमने 218 किलोमीटर। आज भाई है भाई श्रीनगर जाएंगे, और श्रीनगर पहले कारगिल वार मेमोरियल आता है ना, पहले तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे कारगिल वार मेमोरियल में, फिर उसके बाद सीधा टापम टाप सीधा श्रीनगर। हसन भाई अब थोड़े केले और सेब ले रहे हैं, कई दिन हो गए यार फ्रूट्स खाए हुए, और बाकी यहाँ फ्रूट्स है भी नहीं, सिर्फ केले और सेब है कारगिल के अंदर में। जो केले का रेट है भाई यहाँ पे दे रहे हैं 144 रुपये किलो। अरे सेब तो डंक ले आते हैं यार, छेद हो ले आयो कुछ मांग है इनकी जो कि पूरी नहीं की जा रही है। देखो हर जगह मतलब ऐसे काले कार्ड काले काले बोर्ड है और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, क्योंकि यार उर्दू हमारे समझ में नहीं आती ना। कारगिल टाउन से जैसे आप बाहर जाते हो ना, ऐसे बाजार से हमें से बाहर निकलना पड़ता है, और ये सिंगल वे है। यहाँ पर कल रात को क्या है, हमने आने वाले मुंह भाई इसमें गाड़ी कुछ पता था ना यार। जैसे आप भाई कारगिल से कारगिल वार मेमोरियल आने जा रहे हो ना, तो वो कारगिल के अंदर नहीं है, वो 40 किलोमीटर आगे है ना, पता मतलब एक घंटे का रास्ता टूवर्ड श्रीनगर, श्रीनगर वाले रास्ते में आते 40 किलोमीटर आगे। पहले मेरे को ये लग रहा था कारगिल वार मेमोरियल कारगिल में ही है, पर ऐसा नहीं, वो आगे जाके वो ऐसा है। और रोड भी है, गाड़ी अगर ध्यान ना दिया ना सू चली जाएगी, जिसमें ही निकल गया फटाफट। ये वाली हिल ना, ये मेन हिल है, इसकी एक दो हिल बाद ही चाइना है, वो पाकिस्तान है। यहाँ मेन हुआ था लड़ाई जो टाइगर हिल ही बोला जाता है। अच्छा। और जो टाइगर हिल है ना भाई, देखो जहाँ बर्फ पड़ी हुई ना, वो वाली है टाइगर हिल। वार मेमोरियल जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके सामने पार्किंग है, और पार्किंग भी क्या है बत्रा के नाम से बना रखी है भाई। भाई हमेशा ना अपने देश का झंडा ऊपर रहना चाहिए। कारगिल वार मेमोरियल में जैसे आप आते हो ना भाई, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं लगती है, जूते जरूरी है बस, आपकी आईडी वाईडी देखते हैं, और उधर में देखो डॉक्यूमेंट्री का दिखा रखा है, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री दिखा रखी है, ठीक है। और बाकी इधर ये घूमने का थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। और उधर म्यूजियम है वो रहा, यहाँ पे आने के बाद ना अलग ही फील सी आ गया यार, है ना। देखो भाई यहाँ अंदर घुसने के बाद ना, यहाँ पे मतलब सबकी शहादत में मतलब लगा रखे हैं ये, और भाई मतलब रोना सा भी आ जाता है, रूम तो भी अपने आप खड़े हो रहे हैं, रोने लग रहे हैं। बहुत नेचुरल प्रोसेस है, देखो अपने आप चीजें हो जाती हैं भाई, अपने आप होने लग रहे भाई, सच में हमारे लिए हो रहा भाई साहब ये सब। सल्यूट है भाई इनको, सल्यूट है यार सच में। कोई भी भाई हमारे भारत की तरफ देखेगा ना, बेशक एक को मारू फाड़ दूंगा भाई, सच में भाई सामने कितने आ जाओ, दो चारों को तो ले, कितनो ही जोर होवे, जितनो दो चार तरह पत्र ज्यादा कह दी, एक एक आदन तो ले ही लांगा, एक आदन तो ले ही जाऊंगा भाई, हाथ में कुछ तो होगा, इतना तो है, एक को तो लेके मरूंगा, एक की गारंटी में ले रहा हूं, कैसे हो अपना तो धरती माता का पूरा करके जाएंगे, पूरा कर दूंगा इधर, जे किसी दिन मौका लगा तो छोड़ेंगे, तो चलो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान क्या है भाई, देश फाइनली जोजिला पास रह गए 18 किलोमीटर रह गए, जोजिला पास इज सो पॉपुलर ब्यूटीफुल भाई, वो हाइट पे है बहुत ज्यादा 11,000 पे है नॉर्मल, पता क्यों है जो जिला पास के ऊपर भी एक लड़ाई हुई थी, वहाँ पर भी कैप्चर करने की कोशिश करी गई थी, पक्की बात है भाई, देख इतनी नॉलेज ना है, नॉलेज कारगिल वार मेमोरियल में लिखा थी, कारगिल से मतलब से 40 किलोमीटर रह जाए ना जो जिला पास, हाँ थोड़ा ही है, जो जिला पास उतरती के साथ में फिर अपना वो सोनमार्ग आ जाएगा, फिर सोनमार्ग से श्रीनगर निकल जाएगा, और रोड तो भाई ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब ठीक है पहाड़ तो है भाई, घुमावदार रोड है, ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि सीधे रोड है, सीधे रोड नहीं है यहाँ पे, यूं घुमावदार ही रोड है, ठीक है, पर अब थोड़ा सा यूं है ग्रीनरी आने लगी, देखो पहाड़ों पे पहाड़ के थोड़े रुख से बदल गए, रुख तो ना बदले, हाँ रुख ही बदल गए, वैसे वही लगा लो ग्रीनरी हो गए, ग्रीन हो गए पहाड़ों पर। वैसे भाई आप जो जिला पास की तरफ जाते हो ना, अब ऐसा ऐसा रोड भी आ जाता है, 30 किलोमीटर का जो है ये पैच खराब रहता है,
बड़ा मतलब टूटा फूटा सा रोड है, स्पीड भाई 20-21 की सी चलते हैं यहां पे, लेकर इब तक इब आया ये रोड ऐसा। हां ले से लेके कारगिल इब जो जिला पास कारगिल क्रॉस कर गए जो जिला पास के आसपास ही आते हैं। पास तो पहली और जो जिला पास के बाद ऐसे टाइल का रोड बनने लग रहे हैं। 5-6 किलोमीटर चले उस टूटे वाले रोड में फिर ऐसा वाला लग रहा है। शायद आप लोग जब तक वीडियो देखोगे तब तक आओगे तब तक बन जाएगा, क्योंकि वीडियो भी देखेगा फिर वो प्लान भी करेगा फिर आवेगा भी इधर तो टाइल भी सही से आ रहा है ना करेगा। भाई हम आ चुके हैं जोजिला पास पे और मतलब कल से ना हमारी ये देखा बैठ गया था कि जोजिला पास हाइट पे भाई दम फट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। मतलब ठीक है यार, मेरे को सच में बहुत डर लग रहा था कल से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 11,649 फुट पर हॉर्न बजा, हाँ हॉर्न तो काम कर रहा है, मतलब ज्यादा ऊंचाई ना है, ज्यादा ऊंचाई ना है। तो भाई जोजिला पास तक आ गए, इतनी कोई हाइट नहीं है, 11,649 कोई सांस वांस कुछ नहीं फूल रहे हैं, शायद 11,000 की फुट पे ही था अपना ले भी, पर यहाँ के एनवायरनमेंट में और ले के में थोड़ा फर्क है, क्योंकि ग्रीनरी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे पूरा है। और अपनी दूसरी गाड़ी भी आ चुकी है, हम थोड़े से रुक रखे हैं, सही है यार, ऐसे कुछ सांस ना फूल, अच्छी फील है, थोड़ा सा देखो सांस फूल रहा है क्योंकि हाइट पे है ना, ठीक है मजा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और मैं वही सजेस्ट करूंगा फैमिली के साथ मत आओ, दुखी पा जाओगे बहुत ज्यादा, और थोड़ा लंबा सफर है ना भाई, लंबे सफर में देखो दुखी पाती है फिर आने को भाई, यहाँ से ना अभी वो निकले फाइटर प्लेन फाइटर जेट, क्या गजब भाई साहब गजब, एक नंबर मजा आ जाता है। और गाइस अभी दो छपरी भी मिले हैं, ये दो छपरी मिले हैं, देखो देखो टिकटॉकर्स। जोजिला जैसे आप वहां जाओगे ना सोनमार्ग श्रीनगर की तरफ में, वहाँ पे मतलब ट्रैफिक सही है भाई, ऐसा यूं नहीं है कि पार गाड़ी जा रही है। जोजिला पास से पहले बिल्कुल सही था, ट्रैफिक ट्रूफिक नहीं था, पर अब यहाँ पे ट्रैफिक आ गया और ऐसी छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग भी जो है यहाँ पे आ रही है। भाई आप देख रहे हो टाटा की सफारी चल ही ना रही भाई, गाड़ी चढ़ी नहीं रही ऊपर की तरफ में, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया इस गाड़ी को, कोई देर होगी इसको चढ़ी नहीं रही गाड़ी है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया सफारी ना लेके, पता यही दम तोड़गी वो तो पांग पोंग मजा कर, क्यों वो तो फैल हो जाता कुत्ता फैल हो जाता। ये टनल बन रही है देखो जोजिला टनल प्रोजेक्ट, और भाई ये बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है जो की जोजिला से सीधा आपको सोनामार्ग उतार देगा। ये प्रोजेक्ट मतलब ऐसे लगा लो अटल टनल की तरह है, तो ये 30-40 किलोमीटर का ट्रेवल बहुत थोड़े में कवर कर देगा। अब ये नहीं पता बहुत थोड़ा कितना है वो, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, क्योंकि अंदर अंदर आएगी ना भाई। आज से एक साल पहले भी ना मैं श्रीनगर आया था तो बहुत भयंकर वाला जाम था इस रोड पे। और जोजिला से जैसे आप आते हो ना ये सोनमार्ग की तरफ, और सोनमार्ग से आप श्रीनगर जाते हो, तो मतलब जो सोनमार्ग है ना अलग रूट से मतलब थोड़ा सा अलग रह जाता है, इस साइड में आप कट ले लोगे सोनमार्ग आ जाएगा मेन जो है, और सीधा सीधा निकल जाओगे तो आप श्रीनगर में निकल जाओगे। और यहाँ पे भाई जाम कभी भी लग जाता है किसी वक्त भी, यहाँ का बकरिया का मूवमेंट देखने में बहुत अरे भाई भेड़ इनकी ब्रेकिंग होता है हमारी कुछ पता नहीं पड़ पड़ा भाई। हम लोग आ चुके हैं अब श्रीनगर में, और अपना दोस्त यहाँ पे भाई काम करता है, ऑडिट ऑफिसर है, तो इसी के साथ अब घूमेंगे, मतलब आज देखो पहले भी रखे हैं तो डल लेगी वैसे मेन यहाँ पे डल लेगी देख के, और फिर चले जाएंगे। वैसे रूम तो हमने ले ही लिया है भाई, अब शिकारा पे जा रहे हैं, और हमने करी है 700 रुपए में दो जने, मतलब दो शिकारा करी है, चार एक बैठ जाएंगे और तीन एक में, वैसे छह जने थे पर एक भाई अपना जो एक्स्ट्रा हो गया। डल लेक के अंदर अभी पता है क्या है, अक्टूबर सेप्टेम्बर चल रहा है ना, सेप्टेम्बर में मतलब ऐसी कोई ठंड नहीं है, गर्मी सी है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है ना तब ज़्यादा मजा आते हैं, पर अब तो बिल्कुल नॉर्मल सही है, आगे बैठ के ज़्यादा मजा आता है शिकारा में कंपेरेटिवली, मतलब यूँ पीछे बैठने में, और थोड़ा सा देखो जो सी सिकनेस सी होती है थोड़ा सा हिलता सा है वो तो चीज़ होती है, पर ठीक है भाई यहाँ पे साइडों में दुकान सी चलती रहेगी, और यहाँ बैठे रहो वैसे बड़े इंजॉय करते रहो, और तो बस क्या ही है, पानी भी इसको ठंडा नहीं है नॉर्मल। ये देखो भाई लाल चौक है, और ये G20 का समिट हुआ था ना उन्हें 8-9-10 तारीख को, उस वजह से क्या है ये भी रेनोवेट कर दिया, अब जो रेनोवेट होया वो हो गया और जो बच गया वो बच गया, चलो कुछ तो फायदा हुआ अपने को भी, मतलब बढ़िया G20 तो भाई हुआ, पर जो ये भी है भाई पूरा रेनोवेट सा हो गया,
पर ये मतलब मार्केट ऐसी जैसे सारा सामान दिल्ली का ला रखा हो, लेकिन मार्केट ऐसी जैसे वहाँ का मतलब वहाँ का ही सामान हो। ये वाला एरिया है ना लाल चौक का, ये भी पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया है, मतलब इसके इस साइड में है पर ये भी यहाँ पे पूरा चेंज है। आप ना अगर कश्मीर आ रहे हो तो एक ये कृष्णा वैष्णो ढाबा है भाई, इस पे आना खाना खाने के लिए, एक नंबर का खाना मिलता है। और भाई देखो यूं खड़ा रहना पड़ता है टेबल के सारे, कब खाली होगी और कब बैठा जाएगा। होटल ले लिया भाई श्रीनगर में, और देखो नीचे ही मिल गया हमें ब्रिलियर्ड, जो कि किसी को भी खेलना नहीं आता, ना तो इसको ना इसको, इन्हें भाई सदा कंप्यूटर में और उसमें खेल रहे हैं, सदा उसमें खेले हो के रह गए भाई फोन में, बस फोन में खेल रहे हैं और कहीं में ना खेल रहे, बस मन ही खेलना हो। देखिए हाले बेटा कितनी जाओगी बेटा, बनी बनाई तो सारी चली जाए।